विधायक दिलीप लहरिया ने डॉक्टर बांधी पर किया तीखा प्रहार। वर्तमान विधायक बेच रहे हैं गिट्टी पत्थर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के व जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के निर्देश पर आज मस्तूरी में केंद्र के भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति और छत्तीसगढ़ राज्य को पर्याप्त खाद बीज की आपूर्ति की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को सभी उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए की केंद्र की भाजपा सरकार आधा ही खाद दिया है, जो किसानों के साथ गलत हो रहा है, जिसका पूरा छत्तीसगढ़ किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। मुख्य मुद्दा लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में पूरा छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय में ब्लॉक मुख्यालय में एक दिवसीय धरना केंद्र सरकार के जो नीति के विरोध में, जो किसान विरोधी का जो नीति है, खाद बीज की आज शॉर्टेज है, कमी है, मेन जो किसानी का जो समय है अभी उस समय ये खाद बीज की कमी जो हो रहा है उसी के विरोध में आज एक दिवसीय धरना मस्तूरी के जोंधरा चौक में विधानसभा क्षेत्र में मस्तूरी ब्लॉक में किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि ये जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है कुल मिलाकर हमारे प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हर चीज़ में कहीं कहीं जिस समय धान का उठाव होना था, खरीद होना था, उस समय भी ये सौतेला बहार किया ताकि यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री बघेल का सरकार है, ये तो हमारे केंद्र के सरकार ने जो नीति अपनाई हुई है कि छत्तीसगढ़ को किसी भी तरह परेशान करना है। जिस समय धान खरीदी का समय था उस समय भी इस सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार बनाया। जितना धान खरीदना था वो धान उनके द्वारा खरीदा नहीं गया और किसानों को परेशान किया गया केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन हमारे सरकार ने जो छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस की भूपेश बघेल के मध्य अंदर में जो सरकार है, जो उस सरकार ने शपथ लिया कि नहीं, किसानों को हम कोई परेशानी नहीं आने देंगे और पूरा धान खरीदेंगे, उसी तरह का परेशानी अभी केंद्र सरकार ने पैदा किया है कि जिसको 11,75,000 मीट्रिक टन खाद जो देने का वादा उन्होंने किया था, मात्र हमको 6,00,000 मीट्रिक टन ही खाद मिल पाया, जिससे कि किसानों को परेशानी हो रही है, ना यूरिया ढंग से मिल पा रहा है।